मैंने कुछ ऐसा पहले एक वीडियोस की जॉब की वीडियो लगाई थी, जिसमें मैंने बताया था कि पीआरएसपी और पाकिस्तान एग्रीकल्चर कोलेशन के दरमियान एक कंसोर्शियम हुआ है जिसमें मुख्तलिफ एरियाज के अंदर उन्हें इम्प्लाइज चाहिए। तो उस टाइम उस एडवर्टाइजमेंट के एंड पे एक ईमेल आईडी दिया हुआ था जहां पे आप लोगों ने अपने सीवी और बाकी डाटा ईमेल करना था। तो बहुत सारे मेरे बहन भाइयों को उसमें इशू आता था कि वो फाइल साइज ज्यादा होने की वजह से ईमेल सेंड नहीं होती थी, या कुछ और इश्यूज भी थे जिसकी वजह से ईमेल सेंड नहीं होती थी। तो अब वही सेम एडवर्टाइजमेंट, ये दोबारा सेम वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं और यहाँ पे आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई करना है, आप लोगों को ईमेल करने वाला झंझट खत्म हो गया है। तो इसमें जॉब्स वही सेम हैं, इसमें ये मुख्तलिफ एरियाज के हैं, ये डेरा गाजी खान डिवीजन जिसके अंदर डीजी खान, राजनपुर, लैया, मुजफ्फरगढ़ और गुजरांवाला डिवीजन, इसमें 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, गुजरांवाला, हाफसाबाद, मंडी, बहाउद्दीन, गुजरात, सियालकोट और नारोवाल। इसमें इन जॉब्स के लिए एप्लीकेशन चाहिए डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर, ये 40 वैकेंसीज हैं, 10 डिस्ट्रिक्ट में है, ये 6 डिस्ट्रिक्ट हैं इसमें गुजरांवाला डिवीजन में और 4 डिस्ट्रिक्ट हैं डेरा गाजी खान डिवीजन में। तो 40 वैकेंसीज हैं, बीएससी, एमएससी एग्रीकल्चर चाहिए, 5 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस हो। और नेक्स्ट है इसमें डिस्ट्रिक्ट एचआर ऑफिसर चाहिए, 10 वैकेंसीज हैं, एमबीए, एमपीए या मास्टर्स इक्विवेलेंट डिग्री हो और 5 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस चाहिए। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट आईसीटी ऑफिसर चाहिए, मैनेजर चाहिए और इसमें 10 वैकेंसीज हैं, बीएससी, एमएससी, इसमें ग्रेजुएट भी चलेंगे और मास्टर्स भी चलेंगे, 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट फाइनेंस ऑफिसर 10 वैकेंसीज हैं, ACCA, MBA, फाइनेंस, ये इंटर, MCOM, 5 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस और ये नीचे बाकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी बता दी गई हैं, जिसमें अकाउंट और फाइनेंस से फेमिलियर होना चाहिए, रेप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशन से उसका पेरोल, बुक कीपिंग, ऑफिस फाइनेंस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तरह का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एग्रीकल्चर ऑफिसर चाहिए, 295 वैकेंसीज है, एग्रीकल्चर ऑफिसर 295 वैकेंसीज, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर 4 साल वाला जो है, मिनिमम 2 से 3 साल का फील्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए और प्रेफरेबली विद एक्सपीरियंस ऑफ फार्मर्स ट्रेनिंग एंड एडवाइजरी सर्विसेज, मस्ट हैव ऑन मोटरसाइकिल, अपनी मोटरसाइकिल होनी चाहिए और वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए, गुड स्किल्स इन यूजिंग स्मार्टफोन, एंड्रॉयड एप्लीकेशन, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ईमेल, इंटरनेट, व्हाट्सएप एंड सोशल मीडिया लिंक्स वगैरह उसे यूज करने आने चाहिए। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द लोकल स्टाफ, जिस एरिया का है उसी एरिया में उसकी अपॉइंटमेंट होगी, वहीं पे उसकी उसे ड्यूटीज देना होगी, इसलिए उसी इलाके के लोगों को प्रेफर किया जाएगा। फील्ड असिस्टेंट है 1768 वैकेंसी, 3 साल का डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर साइंस होना चाहिए, एफएससी देखें, एफएससी जिन्होंने इंटरमीडिएट किया हुआ है उनके लिए भी ये जॉब्स हैं। तो मोटरसाइकिल आपकी होनी चाहिए क्योंकि फील्ड वर्क है। और ये इंटरेस्टेड कैंडिडेट जिन लोग वो जो अप्लाई करना चाहते हैं, ये लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप लोग उस साइट पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे अप्लाई करना है। ये ईमेल आईडी, ये जो है 21 मार्च तक आप लोगों ने अप्लाई करना है, ये नीचे नंबर भी दिया हुआ है, अगर आप लोगों को कोई इशू हो तो यहाँ पे रब्ता कर सकते हैं। हम अब इस लिंक पे चलते हैं, तो इसमें ये है लिंक पीआरएसपी का, यहाँ पे आप लोग अप्लाई करने के लिए, यही जो हमने अभी एडवर्टाइजमेंट ओपन की हुई थी वो ओपन करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड हो जाएगी। इस साइट का लिंक मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग सिंपली उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पहुंच जाएंगे इस सामने वाले पेज पे। तो क्लिक है टू ऑनलाइन अप्लाई, ये अप्लाई करने के लिए आप लोगों ने यहाँ पे लिंक पे क्लिक करना है और आगे जो है वो पेज या फॉर्म जो भी है वो ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई करना है। अब आप लोगों को जो ईमेल सेंड करने के लिए झंझट था कि वो फाइल साइज बड़ा हो गया, फाइल साइज छोटा कैसे करें, अटैचमेंट नहीं हो रही थी, ईमेल सेंड नहीं हो रही थी, तो वो वाला इशू आप फेस नहीं करना पड़ेगा, आप लोगों ने ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। करते रहते हैं तो इसलिए नेट की स्पीड जरा स्लो ही होती है। यहाँ पे ये सिंपल सा फॉर्म है, नेम ऑफ पोजीशन, यहाँ पे आप लोगों ने नेम ऑफ पोजीशन देनी है जो हमने पहले
उधर एडवर्टाइजमेंट के अंदर देख ली हैं, जिस पे भी आप लोगों की डिटेल फिट बैठती है, जॉब एक्सपीरियंस, उसी पे आप लोगों ने अप्लाई करना है। एप्लीकेट नेम देना है, यहाँ पे ये मैं अपना नाम दे रहा हूँ, आप लोगों ने अपना नाम लिखना है और फादर नेम बताना है। उसके बाद आप लोगों ने अपना CNIC इंटर करना है। अच्छा, नेक्स्ट आप लोगों ने बताना है जेंडर, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर, जो भी है। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ बताना है। ये यहां से आप लोगों ने सिलेक्ट करना है कि आप लोगों का ईयर ऑफ बर्थ क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसके मुताबिक ही आप लोगों ने यहाँ पे इंटर करना है। यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे तो ये आप लोग अपने ईयर ऑफ बर्थ पे पहुंच जाएंगे। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने अपना ईमेल आईडी देना है। उसके बाद आप लोगों ने अपना सेल नंबर देना है। फिर आप लोगों ने अपना प्रोविंस बताना है कि किस सूबे से बिलोंग करते हैं। ये पूरे पाकिस्तान के लिए है, आप लोग पंजाब से बिलोंग, सॉरी ये है ही 6 डिस्ट्रिक्ट में, तो इसमें मैक्सिमम जॉब जो है वो उसी डिस्ट्रिक्ट के लिए है और बाकी बाकी पूरे एरियाज के लिए है। तो डोमिसाइल बताना है, जहाँ का आप लोगों का डोमिसाइल है वो बताना है। उसके बाद अपनी एक्सपेक्टेड सैलरी बतानी है, आप लोगों ने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ पे सैलरी लिखनी है। और पोस्टल एड्रेस, यहाँ पे आप लोगों ने अपना पोस्टल एड्रेस लिखना है, मुकम्मल कंप्लीट लिखना है, जो आप लोगों का एड्रेस है जहाँ पे आप लोगों को डाक मिल सके। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल देनी है, इंस्टीट्यूट देना है, डिग्री नेम देना है और CGPA वगैरह वगैरह देना है। मैं यहाँ पे ये फिलहाल लिख रहा हूँ। आप लोगों ने यहाँ पे जो है मैं 50% कर देता हूँ, क्योंकि इस क्वालिफिकेशन में पता नहीं चलता कि CGPA या परसेंटेज क्या है। उसके बाद आप लोगों ने वर्क एक्सपीरियंस देना है। आप लोगों ने यहाँ पे एक्सपीरियंस देना है। ये जितनी आप लोगों की क्वालिफिकेशन है वो तमाम डालनी है यहाँ पे, और जितनी आप लोगों की एक्सपीरियंस है वो तमाम यहाँ पे डालने हैं। मैं एक एक डाल रहा हूँ सिर्फ देखने के लिए कि इसमें कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है जो हमें अप्लाई करने में पेश आए, क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो डाली थी तब मेरे बहुत सारे बहन भाइयों ने, मेरे व्यूअर्स ने कंप्लेन की थी कि उसमें कुछ इश्यूज आते हैं अप्लाई करने में। अच्छा, पोस्ट डॉक्यूमेंट PhD फॉरेन क्वालिफिकेशन कोई है तो वो डाल दें, हाफिज कुरान है नहीं है वो डाल दें, डिप्लोमा सर्टिफिकेट अगर है तो वो लिख दें, और सबमिट एप्लीकेशन पे हम करते हैं, देखते हैं। अच्छा, प्लीज इंटर योर वैलिड CNIC नंबर। अच्छा, मैंने यहाँ पे ऐसे ही CNIC नंबर डाल दिया था, वो कह रहे हैं जी अपना वैलिड CNIC नंबर डालें। आप देखते हैं कि ये एक्सेप्ट करता है, क्योंकि अभी भी मैंने इस पे CNIC मैंने इस पे CNIC में यहाँ पे अपना ओरिजिनल डालूंगा और इसको मैं ब्लर कर दूंगा। आप देखते हैं कि आप क्या कहते हैं। हाँ जी, आप इसने एक्सेप्ट कर लिया है, अब एप्लीकेशन हमारी सबमिट हो रही है। आप लोगों ने ये सिंपली ऐसे अप्लाई करना है, इसमें और कोई मुश्किल चीज नहीं है, हम लोगों ने देख लिया है, सिंपल सा फॉर्म है जो आप लोगों ने फिल करना है। तो अभी देखते हैं आगे इसको, ये किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आती, कोई एरर तो नहीं आता। अगर एरर नहीं आता तो आप लोगों ने भी ऐसे ही आराम से इस पर अप्लाई कर देना है। नेट की स्पीड स्लो होने की वजह से थोड़ा टाइम ले रहा है। तो ये देखें, ये हमारा ये कंप्लीट अप्लाई हो चुका है। इसमें इसने ये रिव्यू के लिए हमें टाइम दिया है, ये सेव एप्लीकेशन। अच्छा, इसके अंदर हमने अभी अपलोड CV, अपना CV अपलोड करना है। यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे और फाइल अटैच कर देंगे, CV अपना अटैच करें तो जॉब के चांसेस कम हो जाते हैं। सेव एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं कि आगे ये क्या मांगता है, देखते हैं। फिर अब हमने CV भी अटैच कर दिया, बाकी सारा डाटा भी दे दिया और CV
सेव, आपने हमने फॉर्म सेव कर दिया है। सेव करने के बाद देखते हैं कि ये ऑनलाइन ही भेजना है या ये प्रिंट निकाल के हमें कहते हैं कि मैनुअल जो है वो फाइल करें। आप लोगों ने, मैंने यहाँ पे डाटा कुछ काफी फेक डाला है, आप लोगों ने ओरिजिनल डाटा डालना है, ओरिजिनल कॉन्टेक्ट्स डिटेल डालनी है, क्योंकि आप लोगों से इसी आपकी गिवन डिटेल पे ही, गिवन एड्रेस, गिवन नंबर पे, ईमेल पे ही रब्ता किया जाएगा। और मैं दोबारा आप लोगों को जब तक ये फॉर्म सेव होता है बता दूं कि हमारा यूट्यूबर्स का काम आप लोगों को बताना होता है कि ये यहाँ पे जॉब्स अवेलेबल हैं और उस पर अप्लाई करने का तरीका बताना होता है, रेफर करना नहीं होता कि आप लोग यहाँ पे अप्लाई करें। आप लोग करें अप्लाई, अल्लाह पाक आप लोगों के वहां पे अगर रिस्क लिखा हुआ है तो जरूर मिलेगा, लेकिन आप लोग देखें कोई भी नेगेटिव मीन यूज ना करें, कभी भी कोई नेगेटिव मीन यूज ना करें। अगर आप लोग नेगेटिव मीन यूज करेंगे तो उसमें कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा, आप लोग खुद उसके जिम्मेदार होंगे। ये देखें, योर जॉब एप्लीकेशन हैव बीन सेव्ड, गुड लक, ये सेव हो चुकी है। और सेव होने के बाद आई थिंक सो, हाँ, इन्होंने सेव भी कर दी है और सेंड भी कर दी है। अब इस जॉब पे अप्लाई हमारा हो चुका है। आप लोगों ने इसी तरह से अप्लाई करना है, इसमें मैनुअल कॉपी नहीं भेजनी, हार्ड कॉपी नहीं भेजनी, यही सिंपल सा काम था इसमें। तो अब आप लोग अप्लाई करें और दुआ करें मेरे लिए और अपने लिए रिज़्क़ हलाल की। ऑल द बेस्ट।